रहमान रहीम अस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल करीम। बहुत ही खुशी की ख़बर है, मैं आप हजरात के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन बहुत मशरूब भी था और बहुत हालात भी थे। दुआ की दरख्वास्त है, अम्मी की बहुत ज़्यादा सख्त बीमारी चल रही है, हॉस्पिटलाइज्ड है एक हफ्ते से। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि एक हमारे फॉलोअर्स, हमारे एक साथी माशाल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत करने का बेइंतहा उसको शौक़ था माशाल्लाह। उसके लिए कसरत से दुरूद पढ़ता है, मुझे जहाँ तक मालूम है 5000 मरतबा की तादाद के अतबार से दुरूद इब्राहिमी रोज़ाना उसकी मामूल है, और पिछले एक साल से इस जस्तजू में लगा हुआ है। और हर रोज़ तकरीबन हमको फ़ोन करता था या व्हाट्सएप में हमें मैसेजेस भी शेयर करता था, दुआ कीजिए और क्या करूँ ताकि ज़ियारत हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, सुन्नत का भी पाबंद है, लेकिन दावत के काम में बहुत ज़्यादा लगा हुआ नहीं है। तो मैंने उसे कहा था कसरत दुरूद का अहतमाम करने के लिए और कोशिश करने के लिए कि 4 महीना जल्द से जल्द लग जाए, लेकिन अभी तक नहीं लगा पाया। उसने खुशखबरी सुनाई मुझे, ये गालिबन परसों शायद खुशखबरी दिया या कल, परसों का शायद है, उसने ये खुशखबरी सुनाई। ऐसे ख्वाब उसने बयान किया, रोंगटा खड़ा हो गया कि उसने तो अल्लाह पाक की ज़्यारत कर ली माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत करने की जस्तजू में लगा हुआ बंदा लेट हुआ, दुरुस्त हुआ, लेकिन अल्लाह को अल्लाह ही का ज़्यारत कर लिया। बहुत खुशी की बात है, अमन करीब इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत भी वो कर लेगा। अब सारे हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर फ़िद्दार।